हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सर्कल स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आपको बताया, मैं आपको उत्तराखंड के जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके सीरीज़ करा रहा हूं। और आज हम करेंगे सेट 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है यू के पी एस सी के, यू के ट्रिपल एस सी के, ग्रुप सी के, वी डी ओ, वी पी डी ओ, उन सब में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट लगेंगे आपको ये क्वेश्चन देखने में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? ये किया गया था अक्टूबर 1993 में। क्वेश्चन 1 का सी। क्वेश्चन 2, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती है बहती है? तो यह है मंदाकिनी। 2 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन 3, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली में। क्वेश्चन 4, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, विश्वनाथ नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों हैं। विश्वनाथ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है गंगोत्री। क्वेश्चन 5 का सी। क्वेश्चन 6, कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का पूछा जाए तो मीलम है, उत्तराखंड का पूछा जाए तो गंगोत्री है, तो कुमाऊं का क्या है? मीलम। क्वेश्चन 7, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये कहा था कोसानी को। 7 का सी। क्वेश्चन 8, हेमकुंड झील घिरी हुई है कितने पर्वतों से? 7 पर्वतों से। क्वेश्चन 9, निम्न में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? तो यह आपका तवा घाट। क्वेश्चन 9 का डी। क्वेश्चन 10, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। 10 का डी। क्वेश्चन 11, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तु है, साल पंखी पश्मीने दुसाले कालीन जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो कहाँ मिलती हैं? मुंशियारी में। क्वेश्चन 12, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो ये लिखी थी कोसानी में। 12 का सी। क्वेश्चन 13, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, वो कहाँ है? केदारनाथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहाँ है? केदारनाथ में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन 14, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी जो कहा जाता है मसूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन 14 का ए। 15, निम्न में से कौन 5 प्रयोग में शामिल नहीं है? तो यह है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग 5 प्रयागों में शामिल नहीं है, बाकी देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग ये सब शामिल हैं। क्वेश्चन 16, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो यह है केदारनाथ का मंदिर। क्वेश्चन 17, पंच प्रयाग किन जिलों समूह में स्थित है? पंचप्रयाग कौन कौन से जिलों में है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में। पंचप्रयाग इन तीनों जिलों में है। क्वेश्चन 18, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किन जिले समूह में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। क्वेश्चन 19, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग में। 20, निम्न पंच केदार में कौन रुद्रप्रयाग में है? तो ये है केदारनाथ भी है, तुंगनाथ भी है, मधमहेश्वर नाथ भी है, तो सभी इसका हो जाएगा सभी। 21, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर है। 22, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ। 23, विद्वानों के अनुसार खांडव वन तथा वर्तमान हरिद्वार है। 24, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो यह है कोट माई का मंदिर। 25, बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो पंच गुफाएं नहीं है, बाकी पंच धाराएं भी हैं, पंच शिलाएं भी हैं, पंच कुंड भी हैं।
26 ओम पर्वत स्थित है पिथौरागढ़। 27 निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी, तो ये मसूरी है। 28 ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है, ढिकाला है कॉर्बेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ढिकाला किसका प्रवेश द्वार है, कॉर्बेट का। 29 कुब्जा भ्रमक किसका प्राचीन नाम है, ये है ऋषिकेश का। क्वेश्चन 30 उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो ये बाड़ाहाट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराकाशी का क्या नाम है, बाड़ाहाट। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है, कटारमल। 32 वशिष्ठ गुफाएं कहाँ स्थित है, टिहरी। 33 बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है, तो ये आपका चमोली। 34 शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है, जोशीमठ में। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो बाल मिठाई घर, ये अल्मोड़ा में है। बाल मिठाई घर कहाँ है, अल्मोड़ा में, बाकी सब सुमिलित हैं। 36 निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो ये है पर्यटकों की नगरी मसूरी। 37 निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, तो ए भारत का एडिनबरा रानीखेत, ये सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। 38 राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है, तो बताना है आपको हरिद्वार से दूरी, तो ये है आपका यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ। 39 राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊँचाई, तो है गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ। 40 निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है, तो यह है व्यास कुंड। 41 निम्न मठों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये केशव राय मठ टिहरी, ये पौड़ी में है, बाकी तीनों सही हैं। 42 बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है अर्जुन व विष्णु के, नर पर्वत नारायण पर्वत किसके प्रतीक हैं, अर्जुन विष्णु के। 43 निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो शंकर गुफा, ये सम्मिलित नहीं, बाकी तीनों सही हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो ये बिल्व पर्वत पर है, बिल्व पर्वत पर। 45 हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी है। 46 निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित, द्रोण घाटी है देहरादून में। 47 निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है, हरकादून। 48 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिड़सू कहाँ है, तो खिड़सू है पौड़ी में। 49 कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली क्या है, उत्तराखंडी शैली। 49 का सी। 50 का है निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये आपका हरिद्वार। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको जो है उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।